सब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन न्यू कॉमेडी बरकत उज़्मी लेटेस्ट फनी वीडियो। चांद नवाब से बजरंगी भाईजान तक का सफर, आपको पता है ना बजरंगी भाईजान में वो चांद नवाब थे, वो वाला बाय बेकअप। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल ग्रेवाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जान भाई, यार देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। वालेकुम सलाम किया जा रहा है, बड़ा बेगैरत है तू। यहाँ पर देख रहा है जानवर खरीदने के लिए लोग मंडी जा रहे हैं और लुट कर आ रहे हैं, इलाके के बच्चे जो है यार ये शो पॉडकास्ट पे बैठे हुए आप, ये कोई न्यूज थोड़ी चल रही है। आप बैठे, मेरा भी शो चल रहा है ना, देख रहे हैं कराची में लोग कराची में लोग डकैतियां कर रहे हैं, लोगों से मोबाइल छीन रहे हैं, कुर्बानी के पैसे छीन रहे, तो कसाई भी परेशान है, कसाई भी परेशान है, जानवर किसका करेंगे। कराची से लोग चांद में मिले यार, चांद भाई मैंने एक दफा बेगरत बोलने को बोला था, आपने तीन चार दफा बोल दिया मेरा प्रोग्राम यार, देखो रिकॉर्डिंग लाइव जा रही है, फिर लाइव है, फिर बोलते कराची से लोग अपनों में प्यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खरीद यार, बड़े तू बेगरत सलाम सलाम के जा रहे हैं भाई, हमारे कार्ड पे लिखा हुआ है कार्ड पे अपना नाम ही तुम सलाम रख लो, अब्दुल सलाम। एक सेकंड भाई, हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली चांद नवाब। वाह 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 वाह, यार मैं जो क्रेडिट देता हूं ना यार, ये नाम बड़ा बरकत भाई यूनिक है उसमें भाई, क्या है ना, क्या बात है, क्या चांद देखना, जब ये छुपा बादल में क्या बात है मेरा चांद, चांद पे तो कितने गाने बने, चांद पे कितने गाने हैं, जब से देखा है तेरे हाथ का चांद, वाह वाह वाह, रात का चांद, वाह वाह, फिर दिन का चांद भी देख ले आप, चांद और भाभी चांदनी, चांदनी रात है तुम मेरे यार, लेकिन ये स्टेप आप सही नहीं कर रहे, वो भी तो चंचल चांदनी रात है, चांदनी मेरी चांदनी। सवाल यहाँ से शुरू करते हैं, पहला सवाल ये मत पूछेगा, ये नाम किसने रखा, चांद नवाब, चांद नवाब चीजें, चांद और नवाब, एक आसमान का एक जमीन का, चांद नवाब। जब मैं पैदा हुआ तो चांद रात थी, तो मेरे दादा ने मेरा नाम चांद नवाब रख दिया। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मतलब शुक्र है आप बकरीद पे नहीं हुए, वरना फिर मेरा नाम रखा जाता चांद बेल, चांद चांद बैल नाम रखा जाता, ये भी अच्छा नाम, अच्छा चांद तो रखा, नवाब क्यों रखा, नवाब क्यों रखा, नवाब इसलिए रखा क्या, हमारे मोहल्ले में तो हमने कहा नवाब के, ये नवाब के, भाई नवाब नवाब घर वालों ने रखा, ओए नवाब के बच्चे, रामपुर का नवाब होता है, कहीं का नवाब होता है, पाकिस्तानी नवाब है, वाह वाह एक नवाब। कुछ लोगों के नाम होते हैं पूरा आफ्ता नाती नहीं है, नाम पूछो तो महक, तो महक बंदा कंगाल है, कंगाल है, नाम पूछो रईस, अबे क्या महक पे क्यों जोर है बरकत भाई का, इसलिए जोर है कि बेचारे उसके गम में देखो कैसे दुबले हो गए, गम में दुबले नहीं हुए ये है, नम हो रहे हैं नम, हाँ लोग जान जान करके भी ऐसे नाम रखते हैं, वही 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 जानी, हाँ है लेकिन मेरा मुनफरिद नाम है चांद नवाब, चांद नवाब। और देखें इस नाम की क्या बात है, सलमान खान ने ये नाम कॉपी किया है, क्लैपिंग, पूरा कैरेक्टर कॉपी किया है यार आपका, मतलब क्या बात है चांद भाई, ये बताइए क्या बात है, उस बंदे ने जिसने आपकी वीडियो अपलोड की और आप पूरी दुनिया में वायरल हो गए, उस बंदे का नाम क्या था, उस बंदे का नाम है अजीम है, वो अमेरिका में एक निजी टीवी चैनल का इस वक्त जो है रिपोर्टर है, लेकिन इस्माइल अख्तर और कामिल जो है वो भी हमारे साथ थे, अच्छा। तो मैं वहाँ स्टेशन पे था कैंट पे, आखिरी ट्रेन जा रही है और जिस चैनल की डायरेक्टर लेडीज खवातीन हो तो वो क्या होगी, घुघराहट की, उसने कहा ए भैया जल्दी कर लेना आखिरी ट्रेन है, उसके बाद आगे और भी काम है, तो मैं कह रहा था कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी में जा रहे हैं, एक आया कहने लगा एक ये क्या हो रहा है, एक आया बरकत भाई जैसे आए पतले दुबले से ट्रैक उठा गए यूं करते हुए, एक ही हो रहा है, मैंने कहा भाई तू देखो मतलब यार एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, शो कर रहा है, कान में आके पूछ रहा है क्या कर रहा है। चांद भाई सिर्फ जो ऑन एयर हुआ था वही गाली थी, उसके अलावा भी आपने नहीं पहले कहा, अबे यार इसको रोक लेना, अरे बीवी क्योंकि लेडीज को मैं कुछ नहीं कहता, अरे बीवी रुक जाओ क्या कर रही हो, कराची से लोग अपनों में इस बार, अरे बीवी रुक जाओ ट्रेन रुक रही है, यार इसको रोक लेना, एक आया कहने लगा एक ही हो रहा है, मैंने कहा तो बड़ा बेगैरत है
देख लेना कि क्या हो रहा है भाई, कैमरा लगा हुआ है। अच्छा ये बताएं, जिसने ये वीडियो डाली क्या कहते हैं यार, इसमें गालियां शालियां थी या आपकी इजाजत से डाली या फिर तो खुद ही डाल दी? नहीं हुआ ऐसा था कि इजाजत लेते तो ये देते, इजाजत देता तो कभी नहीं देता। लेकिन जब आपको पता चला कितना जलील ख्वार हुआ, इसके बाद खुदकशी करने को दिल कर रहा था। अच्छा क्यों भाई? जब ये सोशल मीडिया नहीं था, अच्छा टीवी होती थी, वो हमने जाके हमारा तो चला गया लैपटॉप से, और गया हो गया, गालियां भी चली गई। मैंने कहा तो नौकरी गई, रिजाइन मैंने वही लिख लिया था, साइड कर रिजाइन मैंने लिख लिया था। उसके बाद क्या हुआ, वो डीवी में हमारे दफ्तर से जो ट्रेन के थे ईद का, वो कॉपी लेने आया चैनल का लड़का, उसने डायरेक्ट ऐसे ही ले दिया, उसने वायरल कर दी, डाल दी। उसके बाद वो हर जगह जाए तो 20 रुपए में डाउनलोड होता था मोबाइल में चांद नवाब। उस 20 रुपए का रेवेन्यू आपको कितना मिला? मिला क्या भाई, ऐसा मिला कि हर तरफ से आते थे, ये जा रहा 20 रुपए में डाउनलोड कर दो चांद नवाब। मैं इतना जलील हो गया कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती थी। अल्लाह कहते थे भंड मारता है, मैं कहता था यार जिस चैनल पे जाऊं नौकरी नहीं मिले, एक ही चैनल पे बैठ के काम करता रहा, क्या करूं अल्लाह क्या करूं, बड़ा परेशान। यकीन करेंगे कि मैं घर से नहीं निकलता था, बाहर में कहीं नौकरी, घर वाले खुद निकाल देते, घर वाले कहते थे जाओ हौसला रखो। फिर मेरे सीनियर हौसला दिया। अच्छा मैंने एक दिन कहा यार मैं खुदकशी कर लेता हूँ, किसी गाड़ी के नीचे आ जाता हूँ, परेशान कि ये क्या मुसीबत आ गया। आप रुकी हुई गाड़ी के नीचे आते हैं? मैं ट्रेन के नीचे आ जाता हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में आ गया तो परेशान, नौकरी नहीं मिलती थी। अच्छा दोस्त साथ नहीं बिठाते थे, बोलते यार तुम भंड मारते हो, भाई हमारे घर वाले बोलते चांद नवाब ये भंडारी है। लेकिन लेकिन जब वो इंडिया से जो बजरंगी भाईजान में सबके एटीट्यूड चेंज हो गए होंगे, जब आपका ये सीन हुआ तो फिर बताएं फिर सबका क्या एटीट्यूड था? ऐसा हुआ कि जब ये फिल्म आई तो मैं रमजान में, मेरे एक दोस्त है सेंसर बोर्ड में होते हैं, अच्छा मुझे पता था ये फिल्म बन रही है क्योंकि मुझसे कबीर खान, सलमान खान ने और नवाजुद्दीन ने जब ये मेरा रोल किया तो 6 महीने उसने मेरी तमाम चीजें कराची से मंगाई कि मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, कैसे करता हूँ। उसने अपने उसमें कहा कि बड़ी परेशानी से मुझे ये तमाम चीजें करने को मिली। जब फिल्म बन चुकी फिर सेंसर बोर्ड से मुझे फोन आया कि तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, तो मैं हंसा, मैंने कहा यार मजाक मत करो, ऐसा तुमने अगर रमजान में अफ्तार करना है तो प्रेस क्लब आ जाओ, मैं तुम्हें करा देता हूँ, लेकिन मेरे साथ दुनिया मजाक कर दिए तुम तो नहीं करो। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो मैं पहले 20 घंटे सोता था, तो मैं 4 घंटे सोने लगा, बाहर निकले तो गैर मुल्की मीडिया भी खड़ा हुआ है और तमाम खड़े हुए। चांद नवाब जो घर से बाहर नहीं निकलता था, 20 रुपए में डाउनलोड होता था, उसकी 20 करोड़ की अहमियत होती है। 20 रुपए में डाउनलोड, आप क्या रेट चल रहे हैं आपके? अभी तो करोड़ों में। अच्छा वाह, मैं बताऊं आपको मेरा एनएसटी हो रहा है, ये जो कराची से लोग जा रहे हैं लंदन में, पहला एशियन पाकिस्तानी हो फखर के 1 करोड़ से ज्यादा उसकी बोली लग चुकी है। ओए ओए लेकिन मेरी कंपनी ने इसकी उसका भी वाह वाह वाह। और देखिए इज्जत जो है ना, इज्जत गाली से मुझे मिली, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी इज्जत मिलेगी। जो पाकिस्तानी है ना जो, अब ये आपने एक मैसेज दे दिया लोगों को, अरे बाबा गालियां दो इज्जत मिलेगी, इतनी बड़ी कह रहे मुझे इतनी बड़ी इज्जत गालियों से मिली है। सच हो गई, अगर गालियां देने के पैसे मिलते तो हम सब करोड़पति होते। लेकिन पता क्या, ओ गॉड कैसे किसका कहां पे क्या चेंज हो जाता है ना, कैसे मतलब लिटरली लाइफ के कितने अलग प्लान्स होते हैं सारी चीजों को लेके। लाइक हम सोचते कभी कभी, कोई कोई इंसान डिप्रेशन में बैठा होता है, यार मेरा क्या ही होगा मेरे से, और किसी का सिर्फ गाली देने से चीजें हो सकती है, किसी के कुछ और रीजंस की वजह से चीजें हो सकती है, रातों रात किसी का क्या लक चेंज हो जाए क्या। आज हम लोगों ने खुद सोशल मीडिया का पावर देखा और कितने सारे लोगों को देखा कि आज कुछ नहीं रहते, कल उनके घर के बाहर भीड़ हो गई होती, बहुत सी चीजें होती है। नहीं मतलब क्या ये छड़ी, जादू की छड़ी भगवान चलाते ना मेरे को, वो ऐसे में शॉक हो जाती हूँ। एनीवेज मैंने देखा नहीं रियल क्लिप, मैंने ना कहीं पे तो सिर्फ थंबनेल देखा था सोशल मीडिया पे, बट बजरंगी भाईजान में आज के डेट पे भी जब देखती हूँ ना मूवी, मेरे को एंडिंग रोना ही आता है, कंट्रोल ही नहीं होता। क्या मस्त मूवी, मतलब सलमान खान ऐसे मूवीज क्यों नहीं लेके आ रहे अभी, और नहीं कितना मतलब अभी लेटेस्ट उनकी बहुत सारे फ्लॉप हो गए, बट वो बजरंगी भाईजान जैसी मूवी है ना यार, क्लास मूवी, क्लास बोलते ना मस्त एकदम। तो मैंने सुना था कि चांद नवाब एक ओरिजिनल कैरेक्टर है जो प्ले किया था एंड ऑल, नहीं क्या तो वहां पे था थंबनेल में ओरिजिनल एंड साइड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, बट मैंने वो ओपन नहीं किया। अभी इस वीडियो के बाद मैं जरूर वो ओपन करके देखना चाहूंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे बात की थी एंड एवरीथिंग।
एंड इंसान की लाइफ कैसे चेंज होती है पता नहीं, कुछ कुछ लोग है ना अचानक से मोटिवेशन देके जाते कि तुम सोच रहे हो मेरा कुछ नहीं हो सकता, रुको जरा बताता हूँ क्या क्या हो सकता है करके. तो दिस वॉज रियली गुड. तो ये मेरा रिएक्शन ऑन बरकत उज़्मी कॉमेडी बाय वेकअप. आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं. तो प्लीज बाकी परत मियाले.